सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्राइडेंट कंपनी के Q3 के नतीजों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो मिलियंस में दिखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम को समझ लेते हैं। देखिए इनकम की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में इनकम 19,611 मिलियन के आसपास रही, वहीं पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 16,726 मिलियन के आसपास रही थी। यानी कि अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो इनकम यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखा जाए तो 12,949 मिलियन के आसपास इनकम रही थी। यानी ईयरली तौर पर भी देखा जाए तो यहां पर इनकम में यहां पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कंपनी के खर्चों की, तो देखिए एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस 16,546 मिलियन के आसपास रहे, वहीं पिछले क्वार्टर में 13,663 मिलियन के आसपास रहे थे। वहीं देखिए क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 11,479 मिलियन के आसपास एक्सपेंसेस रहे थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो ईयरली बेसिस पर भी एक्सपेंस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात करें प्रॉफिट की, और देखिए प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,091 मिलियन के आसपास रहा, वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2,288 मिलियन के आसपास रहा था। यानी कि प्रॉफिट में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। आप देखें क्वार्टरली बेसिस पर अगर प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ नजर आया है, और यहां पर जबरदस्त तरीके से गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पर होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,597 मिलियन के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रहा था। यानी कि इस हिसाब से देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब देखिए यहां पर बात यहां पर शुरू हुई कि आपने देखा रिजल्ट 18 को आने थे, लेकिन कुछ दिन पहले से करीब 11-12 तारीख से कंपनी के शेयर में जो है अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था 11-12 तारीख से। और अपर सर्किट लगते लगते 51 रुपए से शेयर ने करीब 72-73 या इससे भी ज्यादा का यहां पर हाई बना दिया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट निवेशकों को हुआ था। और निवेशक ये सोच रहे थे कि कंपनी के नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, तो उसके बाद तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही कंपनी के जो नंबर्स हैं 18 तारीख को मार्केट में आए, यानी कल के दिन आए, उसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस कंपनी से एक्सपेक्ट किया था कि भाई इसका जो प्रॉफिट है अनाप शनाप तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कम हो गया, जिसके कारण निवेशकों को निराशा हुई और शेयर में सेलिंग स्टार्ट हुई और प्रेशर देखने को मिला, और पिछले 2 दिन से शेयर में लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी कहानी है इस शेयर के बारे में। लोगों ने पहले से ही इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया इस शेयर से कि शेयर अनाप शनाप तरीके से बढ़ गया, और 2 दिन में ही एक दो हफ्ते में ही शेयर काफी ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो क्वार्टरली बेसिस पर कुछ खास देखने को मिला नहीं, जो प्रॉफिट पहले था उससे भी कमी देखने को मिली, तो यहां पर लोगों को निराशा हुई और शेयर में बिकवाली स्टार्ट हो गई। तो ये पूरी कहानी है इसकी। अब यहां पर अगर ईपीएस भी देखें तो ईपीएस में भी आपको कमी ही देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर में देखें तो 0.42 के आसपास है, और पिछले क्वार्टर में 0.46 के आसपास था। यानी कि ईपीएस में कमी आई है क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन ईयरली बेसिस पर देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 0.32 था, जो बढ़कर 0.42 के आसपास हो गया। यानी कि यहां पर प्रॉफिट जो ईपीएस है वो ईयरली तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं ईयरली तौर पर काफी बढ़िया हैं, और ईयरली तौर पर कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी की इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिट में कमी साफ साफ आपको देखने को मिलेगी। और ये इसलिए भी है क्योंकि कंपनी जो है नए नए एक्सपेंशन प्लान ला रही है, जिसके कारण उनके एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपको सीधा सीधा प्रॉफिट पर देखने को मिला है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर कमी देखने को मिली। लेकिन कंपनी काफी बेहतरीन है। अगर आपके पास होल्ड किए हुए शेयर हैं तो निश्चित रूप से आप होल्ड करके रखें। 1 साल अगर आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये ट्रिपल डिजिट आपको जरूर दिखाएगा। तो काफी बेहतरीन शेयर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस यही एक दिक्कत है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रेशर इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे जाने पर मुझे लगता है कि खरीदारी का एक अच्छा मौका होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आराम से
रखा जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है इस शेयर को प्रति, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ इसमें, ये केवल जो रिजल्ट है उसका प्रेशर है, बाकी इस कंपनी में सब कुछ बेहतरीन है, एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, सब कुछ कंपनी में ठीक ठाक चल रहा है और आपको ये शेयर आगे भी कमाल करता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म की गिरावट से डरना नहीं है, बस यहाँ पर होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पर मुनाफा जरूर होगा। अब देखिए जो भी आपको करना है अपनी सोच समझ के करना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर ही करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज के लिए बताई जाती हैं, अगर कुछ भी करते हैं तो प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।